रखती थी जब बच्चे घर पे रहते थे, स्कूल जाते थे उसके बाद। लेकिन मैं आज भी ना जल्दी उठती हूँ, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं जब सब पता चल जाता था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी मैंने योगा फिनिश किया है अपना, तो अच्छा लगता है इस टाइम पे ना सुबह सुबह उठना, बहुत शांत माहौल होता है एकदम, पंछियों की आवाज़, मतलब बहुत खूबसूरत टाइम होता है सुबह सुबह का ना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस अभी योगा ख़त्म किया है, थोड़ा सा यहाँ पर वॉक करूँगी और उसके बाद फिर जाऊँगी नीचे और चाय, अपना गर्म पानी, जो भी मेरा सुबह का रूटीन होता है वो सब। चलिए अपना मैट वगैरह उठाते हैं, अभी योगा मैट मैं लाई नहीं यहाँ पर, तो ये चद्दर इसी पे कर लेती हूँ। हस्बैंड नीचे गए हैं, उनका सुबह थोड़ा काम होता है, मैंने अपना उस टाइम तक योगा वगैरह फिनिश कर लिया और जल्दी आपके साथ फिर से एक योगा वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्टें आ रही है आप सब लोगों के कि आप योगा करते हैं तो योगा दिखाते नहीं हो, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं योगा। वाओ, एकदम ना खुला खुला माहौल यहाँ का, दूर दूर तक मतलब खुला है एकदम, बहुत अच्छा लगता है। देखिए बहुत दूर दूर तक खाली एकदम, एकदम ना ठंडा ठंडा होता है। मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि सुबह का मौसम जो होता है ना, दिन भर तो इतनी गर्मी होती है सहन नहीं होती है, और देखिए सूरज मेरे पीछे और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो किचन में आने के बाद सबसे पहले काम होता है बर्तन वगैरह लगाना, जो भी है रैक में रखने, रात के धुले हुए बर्तन जो होते हैं और सुबह तक ना आराम से सूख चुके होते हैं, तो इन सबको मैं अपने अपनी जगह पे, जो भी उनकी जगह है उनको वहाँ पे लगा रही हूँ और रैक में रख रही हूँ। और साथ में मैंने चाय भी रख दी है, पानी रख लिया था अपने लिए गर्म करके, तो बस बर्तन लगाने के बाद पानी पीऊँगी, गर्म पानी जो कि मेरी काफ़ी सालों की आदत है वो पीऊँगी, और साथ साथ में बर्तन भी लगा दूँगी, चाय भी बन जाएगी। और अभी मैं निकाल रही हूँ सब्ज़ी जो मुझे बनानी है आज, तो आज मैं सोच रही हूँ करेले बनाऊँगी, भर के तो नहीं बनाऊँगी, काट के ही बनाऊंगी और उसमें खूब सारा प्याज डालूंगी। तो ये देखिए मैंने निकाल लिए करेले, काफ़ी अच्छे एकदम फ्रेश फ्रेश। अभी आराम से पहले बैठ के चाय पीऊंगी, उसके बाद फिर सब्जी काट के फिर सब्जी में छौंक लगाऊंगी। डेजी और हस्बैंड गए हैं घूमने के लिए, अभी टाइम 7 बजने के करीब हो रहा होगा, तो इस तरह से ही मेरा डेली दिन शुरू होता है। लेकिन सुबह के टाइम पर मुझे बस सबसे ये है कि उठना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और आज से नहीं, बहुत टाइम से, जब से अखिल और अंकित स्कूल जाते हैं तब से मेरा रूटीन है सुबह जल्दी उठना, बस उसके बाद फिर मैंने उसको छोड़ा ही नहीं है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे ना पुराने वीडियोस पे बहुत कमेंट आते हैं कि आप अपने चेहरे पे बार बार इस तरह से हाथ क्यों लगाते हो, तो ऐसे कोई स्पेशल रीज़न नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने चेहरे को इस तरह से सहलाने से ना पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और अच्छा लगता है, ऐसे मतलब खुशी होती है, अच्छा लगता है छूने से ना फेस को और पता नहीं, मतलब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इस तरह से ना चेहरे को, मतलब इस तरह से छूना, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है मुझे जो पुराने मेरे ब्लॉग्स हैं उन पे कि आप बार बार अपने चेहरे पे हाथ लगाते हो, और आप लोग भी छू के देखिएगा आप लोगों को कैसा लगता है, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आप जब अपने चेहरे पे इस तरह से छूते हो, क्योंकि हम पूरा दिन भर ना काम करते रहते हैं लेकिन मतलब चेहरे को कभी भी मतलब इस तरह से टच नहीं करते, छूते नहीं हैं, तो आप लोग छू के बताना। एक बार में तो शायद नहीं पता चलेगा, 2-4 बार दिन में या 2-4 दिन लगातार इस तरह से टच करके देखिएगा शायद मतलब अजीब सी बात है, मुझे ऐसा लगता है
ऐसी बातें कोई करता नहीं होगा यूट्यूब पे मैं ही फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही हूँ, लेकिन इस आगे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने सोचा कि चलो इसे डिस्कस करते हैं। तो आप लोग मतलब अपने चेहरे पे इस तरह से हाथ दिन में घुमा के देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है। अजीब अजीब सी बातें हैं मेरी। अभी चाय पी रही थी तो मुझे याद आया, और सुबह उठ के तो मैं ज़रूर मतलब दोनों हाथों को रब करती हूँ और उसके बाद तो अपने चेहरे पे घुमाती हूँ। उससे भी पॉजिटिव जो हाथों की जो गर्मी होती है ना वो आपके चेहरे पे लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। आज संडे है तो वैसे तो संडे छुट्टी वाला दिन होता है, लेकिन आजकल मतलब मेरा ऐसा ही निकल जाता है पूरा दिन भर। छुट्टी हो तो तब लगती थी जब बच्चे घर पे रहते थे, स्कूल जाते थे, उसके बाद जिस दिन संडे की छुट्टी होती थी ना वाह मज़ा आ जाता था उस दिन। सुबह ऐसे सोचते कि मतलब लेट उठेंगे, लेकिन उस दिन तो सबसे पहले आँख खुलती थी, पहले रात को सोच के रखते थे कि कल संडे है तो लेट उठेंगे, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते ना तो ऐसे थोड़ा होता है शायद आप लोगों को भी होता होगा कि बच्चे स्कूल जाते हैं ना जैसे पूरा हफ्ता भर स्कूल होता है और संडे वाले दिन छुट्टी मिलती है तो सुबह ऐसे लगता है कि थोड़ा लेट करके उठेंगे, लेकिन ना उस दिन बहुत ही जल्दी आँख खुल जाती है और फिर नींद भी नहीं आती है। तो अभी तो बच्चे अपने अपने और हम यहाँ तो हर दिन संडे जैसा ही लगता है, कोई ऐसा फील ही नहीं आता है, लेकिन फिर भी आज संडे है और हस्बैंड का तो आजकल काम चलते ही रहता है, कोई संडे वनडे नहीं होता है उनका, कोई भी छुट्टी नहीं होती है उनको क्योंकि वर्कर आते हैं और मशीनरी जो है सेट हो रही है तो बस उनका काम लगा रहता है। लेकिन यह है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे पास आके बैठते हैं, कहते हैं कि कहीं बोर नहीं हो जाए, परेशान नहीं हो जाए, अकेली है तो यहाँ पे। एक डेढ़ महीना मैं वहाँ पे रही हूँ तो मैं कहती रहती थी आज मैंने लंच नहीं किया और 3 बजे किया, 4 बजे किया, इस तरह से। तो आज संडे है आज भी बहुत सारे ऐसे लेडीज़ होंगे जो मेरे वीडियो ब्लॉग देखती होंगी और जिनके बच्चे छोटे छोटे होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो उनका तो आज भी लगता होगा कि आज संडे है, आज आराम करेंगे, सुबह लेट उठेंगे। मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा तभी मुझे पता चलेगा ना। लेकिन मैं आज भी ना जल्दी उठती हूँ, मैंने अपना जो रूटीन है वो छोड़ा नहीं है और मैं शुरू से मुझे आदत है, बचपन से ही वैसे आदत है मुझे, लेकिन मैंने फिर भी बच्चों के बाद छोड़ा नहीं कि बच्चे चले गए हैं तभी आराम से उठते हैं। मुझे लगता है डेजी घूम के आ गई है, उसका वॉक भी हो गया है खूब लंबा राउंड लगा के आते हैं डेजी स्कूटी पे जाएगी। कहाँ भागी थी, कहाँ गई थी? अच्छा मुझे चाट लो, मुझे चाट लो। कहाँ गई थी, घूमी घूमी करके आई है डेजी? आज तो मुझे लगता है नहाना चाहिए डेजी को, आज संडे है डेजी। कहाँ चली हो, ऊपर जा रही हो, ऊपर? अच्छा ठीक है क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? नो क्या करना है डेजी, क्या करना है? ऊपर जाना है, जाओ जाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ, चलो जाओ उतरो, देखो कपनी टूटे, लेश भी ऊपर ही खोलना, जाओ भागो, डेजी आ रही है ऊपर, फिर अंदर जाएगी ऑफिस में। तू कहाँ भाग रही है डेजी? नो है, बिठाई लिया ना, कई भेदभाव करा है बच्चे ने। क्या हो गया डेजी, क्या हो गया डेजी? ओ डेजी क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं, तू भी चल लेना भाई हमारे साथ। कौन है इधर? इधर तो कोई नहीं है, किसकी आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ आ रही है? जाने घूमी घूमी जाना है डेजू को, घूमी घूमी जाना है क्यों? अरे घर पे रह लो भाई।